इंदौर में बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को लेकर शहर में किस तरह से रहेगी व्यवस्था, इसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह अधिकारियों के साथ रेसिडेंसी कोठी पर बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि इंदौर के कई क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए शासन द्वारा निर्देश आए हुए। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश का पालन करते हुए इंदौर में जिस क्षेत्र में कोरोना के अधिक पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। कुछ हमारे द्वारा पहले भी बनाए गए हैं, इसको और अधिक इफेक्टिव करने के लिए पिछले 1 तारीख से लेकर जिस वार्ड में ज़्यादा मरीज हैं वहाँ चयनित किया गया है और 34 लोग ऐसे निकले हैं जिसमें SDM और संबंधित अधिकारियों को पहले सीमाएं आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा जिसमें वही पैटर्न रहेगा, केवल उन्हीं लोगों को निकासी दी जाएगी जो अत्यधिक आवश्यक सुविधाओं के लिए ही जा सकेंगे। पहले सैनिटाइजेशन होगा और हर घर में सर्वे किया जाएगा, सभी की स्कैनिंग की जाएगी, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लगेंगे, जहां पर ज़रूरत होगी तो वहां पर भी वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। यह प्रक्रिया अगले 7 दिनों में कर रहे हैं और उसके बाद SDM द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, इनमें सभी अधिकारी SDM को दिया जा रहा है, जहां पर आगे जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। और इस प्रकार से मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना कंटेन होना चाहिए, जहां पर हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि शहर में लोग पॉजिटिव होने के बाद भी शहर में बेधड़क घूम रहे हैं, यह नहीं सोच रहे हैं कि इससे दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं, जबकि होम आइसोलेशन ऐप में हैं वह लोग जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, शहर में जो हॉस्पिटल भर्ती नहीं हो रहे हैं उन्हें होम आइसोलेशन के माध्यम से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए यह सब करना ज़रूरी है ताकि लोग अपने घर में रहें और पूर्ण रूप से सावधान स्वस्थ ठीक होने के बाद ही निकले घर से। प्रत्येक SDM और नगर निगम के अधिकारी किस तरह की प्लानिंग रहेगी लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के लिए? निर्देश आए हुए हैं और कुछ हम लोगों ने बनाए भी हैं, उसी को और इफेक्टिव कर रहे हैं। पिछले 1 तारीख से लेके जहां पर राइजिंग ट्रेंड्स हैं जिस वार्ड में, उन वार्डों को चयनित किया गया है। अभी 34 वार्ड ऐसे निकले हैं जिसमें कि SDMs, RRTs और जो रेवेन्यू टीम है पहले आइडेंटिफाई करेंगे किन मोहल्लों में ज़्यादा है और उनको फिर सीमाएँ आइडेंटिफाई करते हुए उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। वही पैटर्न रहेगा कि उसमें केवल अत्यावश्यक सर्विसेज़ के लिए ही बाहर जा सकेंगे, मेडिकल सुविधाओं के लिए, और वहाँ पर सैनिटाइजेशन होगा, वहाँ पर हम लोग हर घर में सर्वे करा के उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे, डॉक्टर्स भी लगेंगे, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लगेंगी, और ज़रूरत पड़ेगी अगर वहाँ पर अगर माइक्रो कंटेनमेंट में ज़्यादा कुछ घर रहे तो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप्स भी लगाएंगे। कितने दिन के होंगे सर? 7 डेज़ का कर रहे हैं अभी, 7 डेज़ के बाद उसको नोटिफाई करने का अधिकार SDM को दे रहे हैं, नोटिफाई करेंगे और डीनोटिफाई करेंगे और आगे जहाँ जहाँ ऐसा आवश्यकता पड़ेगी। इसका मुख्य मकसद ये है कि कंटेन होना चाहिए चीज़ों को, लोग पॉजिटिव होने के बाद ही मूवमेंट हो रहा है लोगों का, और ये नहीं दे सोच रहे हैं कि उससे दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं, जबकि होम आइसोलेशन ऐप में है हम लोगों के जितने भी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं सारे होम आइसोलेशन से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें भी ऐसी जानकारी मिल रही है, इसलिए सब चीज़ें करना जरूरी है ताकि लोग कंटेन रह सकें, लोग अपने घरों में रहें और स्वास्थ्य ठीक कर सकें, उसके बाद निकलें फिर। सर, लंबे लॉकडाउन के डर से लोगों में भय है और लोग जो है वो चीज़ें स्टोर करने के लिए परेशान हो रहे हैं, दुकानों में भीड़ भी दिखना शुरू हो गई, इसको लेकर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, कल किस किस चीज़ में छूट रहेगी? सर, हमने ऑर्डर मेंशन किया हुआ है और किराना हो गया, सब्जी हो गई, अपने मेडिकल की शॉप्स हो गई, दूध हो गया, बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई, उसको लेकर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। शादियों को लेकर कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए, गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर मेंशन नहीं किया है इसलिए उसको आगे पीछे करना पड़ेगा उसको। दूसरा, मैं ये भी अनुरोध करूंगा आम जनता से कि शादी के लिए लिमिटेशन सैटरडे संडे के अलावा जो करें 50 का है। कल भी हम लोगों ने एक जगह कार्रवाई की है, वहाँ 200 से अधिक लोग थे, अगर इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली एयरपोर्ट थाने के पास में ड्रीम वर्ल्ड करके कोई है तो वहाँ FIR भी बने, TAT की हुई है उसमें, आयोजकों के खिलाफ भी और जो मौके जैसे स्वामित्व था उसके खिलाफ भी, अगर इस बड़ी संख्या में करेंगे तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे और जो लोग आएंगे उनको संक्रमण होने का पूरा संभावना रहेगी। सर, 2 दिन के लाभ हैं, घरों में रहें, खुद की सुरक्षा रखें, पारिवारिक सुरक्षा रखें, अनावश्यक ना जाएं। आज सुबह मालूम पड़ा कि चौथरा मंडी में बहुत भीड़ हो गई है, थोड़ा ध्यान रखें खुद का, हर चीज़ की सीमा होती है, अस्पतालों की कैपेसिटी की भी सीमा है, क्योंकि इंदौर के हॉस्पिटल पूरे प्रदेश के पेशेंट्स को टैकल कर रहे हैं,
इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब हॉस्पिटल में बहुत प्रेशर है इस समय, सभी चीज़ों की व्यवस्था सरकार कर रही है, ऑक्सीजन भी स्ट्रीमलाइन हुई है, अभी ऐसी स्थिति में थोड़ा खुद की सुरक्षा रखें, परिवार की सुरक्षा रखें, अनावश्यक घर से नहीं निकलें बाहर। सर ये 3 दिन जो है मंडी चालू रहेगी क्या, क्योंकि आप बोल रहे हैं सब्जी की दुकानें चालू रहेंगी? छोटी खेची मंडियाँ कोई चालू नहीं रहेंगी, और सब्जी को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, कोई जो हाट बाजार लगती है फील्ड पर उसको नहीं लगने दिया जाएगा, जो इतना मंडी से सप्लाई के लिए जरूरी है उसको चालू रखना। ग्रामीण में ही है मैक्सिमम, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे वो। देव रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।